नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अरुण सर, पुनीत सर भी जुड़ चुके हैं और आपके सामने वो दिख रहे हैं, तो एक एक करके चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये अरुण सर आपके सामने। अरुण सर, योर स्टार्टिंग कॉमेंट। बिल्कुल, सबसे पहले तो यार सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज सैटरडे था तो आज हम लोग का कोई यूट्यूब पे वीडियो था नहीं, तो बहुत सारे बच्चों को ये बताने का मकसद था कि सर तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, अब बार बार हमसे कहते रहते हो सर ये करो ये करो। हमने कहा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट किया जाए। आज हमने बच्चों से कहा, एक स्टूडेंट है जो फिलहाल बैंक में है और बैंक में जॉब कर रहा है SBI में, तो हमने कहा चलो आज उससे बात करके आपको बताते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए। तो थोड़ी देर में हालांकि हम उस बच्चे से आपको रूबरू कराएंगे, उसका वीडियो आपको यहाँ पे दिखाएंगे ताकि कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार भाई ये बच्चे कर सकते हैं। हर बार बच्चे पिछले साल 2019 के बच्चे आज बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार नोटिफिकेशन आए और नेक्स्ट ईयर इसी समय पे आप लोग हमें सुन रहे हो लेकिन बैंक में बैठ के। विशाल सर, ओवर टू यू। हाँ जी सर, सही बात है। पुनीत सर पे पहुंचते हैं सर। और पुनीत सर, तो गुड आफ्टरनून सभी को, प्यार भरा नमस्कार। मैं भी जैसे अभी अरुण सर ने बोला कि कुछ नया करते हैं हम लोग, तो नया करने के लिए हमने काफी सारे बच्चों ने हम लोग को वीडियोस भेजे हैं, उसमें से सबके तो वीडियो हम एक साथ लगा नहीं सकते थे, तो एक बहुत छोटा सा बहुत कंसाइज सा एक वीडियो है, बहुत प्यारा सा, जिसमें बच्चे ने स्ट्रेटेजी बताई है कि आप क्या कर सकते हैं और एक बच्चे को सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए। हम पहली क्लियर कर दें, इसमें हमने कोई अपनी तारीफ वारीफ नहीं करवाई है, बहुत सिंपल है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बच्चे को सिलेक्शन लेने के लिए। हमने केवल उसी बच्चे का एक वीडियो है, छोटा सा 2 से 3 मिनट का, वो आपको दिखाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। उसके बाद हम भी आपको गाइड करेंगे। देखिए, हर एग्जाम के लिए हम लोग आपको पढ़ाते हैं, हमें पता है हम कितनी मेहनत आपके साथ करते हैं, उस मेहनत में जब मोटिवेशन, डेडिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो उस आपके सिलेक्शन पर जाकर ही रुकता है। हम जब भी एग्जाम आता है नोटिफिकेशन करते हैं, जब रिजल्ट आता है तब भी हम आपके साथ वीडियो करते हैं, और वहां जब बच्चे लिख रहे होते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, जब आप देखते होंगे ना वीडियो तो लगता होगा इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो गया। लेकिन आज हम इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से कोशिश करेंगे आपको मोटिवेट करने की, और हम चाहेंगे जब अगली बार कभी किसी चीज का रिजल्ट आए तो एक कमेंट आपका भी हो जिसमें आप लिख रहे हो सर हमारा भी सिलेक्शन हो गया। विशाल सर, ओवर टू। सही बात है अरुण सर, पुनीत सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे फटाफट से एक काम करते हैं, मैं वीडियो लगा देता हूँ, तो पहले हम लोग वीडियो देख ले रहे हैं, है ना। आज सुबह की हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ अलग करते हैं, क्या करते हैं, चलो बच्चों को हम स्टूडेंट से ही रूबरू कराते हैं। तो आज सैटरडे है, तो मैंने मैसेज डाला ग्रुप में जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो मैसेज में से अभी सभी जब बिजी होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वो बैंक की नौकरी है और बैंक में अभी भी खुली है, बैंक की ऐसी ऑफिस है जो खुला हुआ है अभी फिलहाल, है ना, और वो लोग हेल्प कर रहे हैं। तो उसमें से अभी मेरी एक से बात हुई, तो उसने कहा सर मैं तो अभी ऑफिस में हूँ बट स्टिल मैं बना सकती हूँ एक वीडियो, वो अपने डेस्क पर उसने ऐसे फोन लेकर बना लिया है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे वीडियो को आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो चलो वहाँ चलते हैं और देखते हैं ध्यान से। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आयुषी अस्थाना, एज आई हैव ऑल्सो बीन इन अ वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड यू कि मेरा सिलेक्शन हो गया SBI में, एंड इट्स बीन 2 मंथ्स, मेरी 30th of January को ज्वाइनिंग थी एंड मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड राइट नाउ आई एम इन दी ऑफिस। दिस वीडियो इज़ अबाउट कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की और उस प्रिपरेशन में से मैं आप लोगों को क्या एडवाइस दे सकती हूँ। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई थी, हाँ मैंने भी कई लोगों की वीडियोज़ देखी थी कि वो लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं और कैसे पढ़ाई करते हैं, तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देख के अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करी थी, मैंने उनको एज इट इज़ फॉलो नहीं किया था। तो आप लोग भी देखें बट अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करें अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। सेकेंडली, जो मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग गलत चीज़ें करते हैं, दैट इज़ वो एक ही चीज़ का बार बार रिविजन नहीं करते, वो क्या करते हैं इनफाइनाइट सोर्सेज हैं एज वी ऑल नो, बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन करते हैं, जैसे लाइक से टाइम एंड वर्क आज उन्होंने मैथ्स का पढ़ा, तो वो रिवीजन करने के लिए नेक्स्ट बुक से रिवाइज करेंगे कि चलो दूसरी बुक उठाते हो उसमें से रिवाइज करते हैं, फिर दोबारा से कभी रिवाइज करना होगा तो कोई दूसरा PDF डाउनलोड करके फिर उसमें से रिवाइज करेंगे। मैंने ये चीज़ नहीं करी थी, मैंने जैसे आज मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, अगर मुझको दोबारा से रिवाइज करना है मैं उसी सेम PDF को रिवाइज करती थी, नेक्स्ट टाइम में मुझे रिवाइज करना होता था वही
सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में रिवाइज करती थी, और मेरे को ये समझ में आया कि मेरी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रही है, मेरी ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब आप एक ही क्वेश्चन को बार 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 करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि इसका ये मेथड है, सब चीज़ें आपको याद हो जाती हैं और वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप लोग नंबर ऑफ सोर्सेज से क्वेश्चंस अटैम्प्ट ना करके एक ही पीडीएफ या एक ही सोर्स से अलॉट ऑफ टाइम रिविजन करें। सेकेंडली, डोंट लूज कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। ये कॉन्फिडेंस ही है जो आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगा। एंड थर्डली, जो चीज़ मैंने बताई कि लोग इन्फिनिट सोर्सेज से सीए की प्रिपरेशन भी करते हैं करंट अफेयर्स की, मैंने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी एक ही सोर्स से करी थी और उसी पीडीएफ को मैं कई बार रिवाइज करती थी। लेकिन मैंने अगर मॉर्निंग में वो पेज नंबर जैसे 10 पेजेस रिवाइज किए हैं तो इवनिंग में भी वही 10 पेजेस रिवाइज करती थी, एक बार सोने से पहले भी वही 10 पेजेस रिवाइज करती थी, और हर बार एग्जाम के पहले भी मैंने वही क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं, वही पीडीएफ को बार 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 रिवाइज किया है। आई गेस मेरे पास अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो जब रिजल्ट आया था 24th of July 25th of July को रिजल्ट आया था प्री का, और 10th of August को मेंस था, तो मेरे पास वही दिन थे क्योंकि मैं उस टाइप कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मेरा प्री निकल जाएगा, पर मेरा प्री क्लियर हुआ तो वही 14-15 डेज थे, और मैंने उसमें ही जो एक पीडीएफ थी 70-80 पेजेस की पीडीएफ थी, और उस पीडीएफ को मैंने अराउंड 30-40 टाइम्स रिवाइज किया था, और वो मेरे को बहुत हेल्पफुल भी रहा। जब जैसे ही मैं क्वेश्चंस देखती थी हल आंसर आ जाते थे, 50 क्वेश्चंस में से मैंने 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे करंट अफेयर्स के, और सही भी रहे, एक या दो मेरे कुछ रॉन्ग हुए थे। तो यही मेरी आप लोगों को एडवाइस है, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखें, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस। चलिए भैया, सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है टीम एबीपी की तरफ से फिर से आयुषी अस्थाना और हर वो स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन अभी 2019 में एसबीआई में हुआ है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि यार इतनी सारी वीडियो में हम हर किसी की वीडियो चला पाएँ, और मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कई सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, पुनीत सर के जरिए आ गए, अरुण सर के जरिए आ गए, तो हम लोगों के साथ काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं, और हम जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे हम एक एक करके वीडियो देते रहेंगे। अभी आप लोगों ने देखा वीडियो में, तो जब एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनते हो, गौर सुनते हो, क्योंकि अगर हम पहले बताएंगे तो शायद कई बार आपको लगेगा कि सर बता तो रहे हैं होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। अब जो बच्चों ने लास्ट ईयर हम लोगों से पढ़ा था, उन लोगों को जिस हिसाब से हम लोगों ने गाइड किया, उन लोगों ने वो फॉलो किया, फॉलो करके आज वो फाइनली सिलेक्टेड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसको देखकर आप सभी के अंदर एक जज्बा जरूर आया होगा, जब आप उस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको भी लगा होगा कि यार आज मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और अगली साल मैं भी सिलेक्टेड होऊंगा, मैं भी सिलेक्टेड हो जाऊंगी, और ऑफिस में मैं भी वहाँ पर होंगे। तो डेफिनेटली आप सभी लोग होंगे, तो सबसे पहले आप सभी लोग जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार जरा लाइक बटन पर प्रेस करें वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं जिनके अंदर भी ये जोश आया, जज्बा है कि यार मुझे भी करना है, और अगली बार जब विशाल सर मांगेंगे तो वो वीडियो मेरा होगा, मैं अपना वीडियो देखकर जाऊंगा, तो एक बार जरा थम्सअप दें सभी लोग चलकर। और अब यहाँ पर पहुँचते हैं हम अरुण सर के पास में, अरुण सर से पूछते हैं आगे के बारे में, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी आप लोगों के लिए। अरुण सर आप, जी हाँ अभी आप अनम्यूट है, अरुण सर अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, सबसे पहले देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि ये चीज कर लो वो चीज कर लो, तो बच्चों को लगता तो है लेकिन वो फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चा सोचता है कि सर ठीक है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो सही लगता है, बट जब एक बच्चा इस बात को बताता है कि यार ऐसे कर सकते हो वो कर सकते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ ठीक है इस बच्चे ने भी तैयारी करी होगी और इस बच्चे ने भी पढ़ा होगा, इस बच्चे ने वो फॉलो किया होगा जो ये सर लोग बार बार बोल रहे हैं। देखो हम लोग आप लोगों से एक बहुत छोटी सी बात कहेंगे कि लाइफ में पॉसिबल सब कुछ है, अगर आप ये सोच के तैयारी करेंगे शायद नहीं हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो मैं कहूंगा पहले ही हार चुके हो। देखो जीतने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है कि पढ़ाई करने से बाद की बात है कि आप पढ़ाई करने गए आपने स्ट्रेटेजी फॉलो किया, सबसे पहले आपको अपने आप से जीतना है, सबसे पहले आपको अपने मन को जीतना है, आपने आप दिमाग को जीतना है कि यार मैं कर सकता हूँ। जब आप अपने दिमाग को अपने दिल को अपने शरीर को ये बताने की कोशिश करोगे कि आप कर सकते हो, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपके आसपास का एनवायरमेंट है, आपके आसपास की जो चीजें हैं
फिर उसी प्रकार से होने लगती है। तो मेन चीज क्या है, हम लोग का बस यही मकसद है, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए, पॉसिबिलिटीज है, वी पीपल आर देयर टू हेल्प यू। अभी यार यूट्यूब पे भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं आप लोगों के लिए। आज की बात अगर मैं करूं, इतना सारा सोर्स है पढ़ने के लिए, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को सर कोई ये कहेगा, एक्सक्यूज देगा कि सर ये अवेलेबल नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था। पहले के समय में लोग कहते थे काश मैं दिल्ली में होता तो वहां तैयारी कर लेता, अच्छी कोचिंग्स में तैयारी कर लेता। अब यार अगर कोई बच्चा आज के दौर में अगर ऐसा एक्सक्यूज दे रहा है तो मैं कहूंगा भाई ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो कॉन्फिडेंस लाइए, सिलेक्शन लीजिए, हम हमेशा आपके लिए खड़े हुए हैं और आप बहुत आगे जा सकते हैं, आपको यकीन खुद को दिलाना है। पुनीत सर आपके पास पहुंचते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि बच्चों को बताते हैं किस तरीके से अब वो अपने आप को आगे पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। पुनीत सर, विशाल सर, अभी इस बच्चे की बातों से अगर आप, एक अच्छा बच्चा है, एक डेडिकेटेड बच्चा है जो यहाँ देख रहा है वीडियो, तो कुछ की पॉइंट जो मेरे समझ में आए जो हर एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। पहला तो मैंने ये देखा, जैसे एक स्पार्क होता है विशाल सर, कोई मोटिवेशनल बातें हम सुनते हैं या मोटिवेशन सॉन्ग भी सुनते हैं तो एक अंदर से ही शरीर में एक, मतलब बोलते हैं ना कि खुद भी एक एनर्जी आएगी कि हाँ यार मेरे को भी ये करना है। सही बात है। तो भी मैंने देखा था एक बच्चा था राहुल, जैसे ये वीडियो चल रहा था, जैसे हमारे कहने के बाद तो विशाल सर सब लोग कह देंगे कि हाँ सर बहुत बढ़िया, हम भी वीडियो भेजेंगे, लेकिन अपने मन से जो कह देगा ना पहले ही हमसे कि हाँ सर मैं भी वीडियो आपको भेजूंगा, तो समझ लीजिएगा उसने आधा रास्ता तो वैसे ही तय कर लिया। सही बात। तो आपने अपने मन से जब, जैसे मैंने कहा विशाल सर कि वीडियो चल रही थी, एक बच्चा लिख रहा था कि सर नेक्स्ट टाइम मैं भी आपको वीडियो सेंड करूंगा, इसका मतलब है वो पहले से ही मान के बैठा है कि नहीं मैं तो करूंगा ही करूंगा। सबसे पहले जैसे अरुण सर ने बोला, आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रियलाइज कराइए कि आपको ये बात करनी है। फिर विशाल सर अब मैं ऐसे कुछ दो तीन पॉइंट बोलूंगा जो हर एक बच्चे को फॉलो करने चाहिए इस बच्चे से। हाँ। तो इन्होंने विशाल सर एक सबसे अच्छी बात बोली जो मुझे लगी। हाँ। जीए के पहले बात कर लेता हूँ, जीए के लिए। हाँ। इन्होंने कहा मैं जीए में अगर 10 पेज भी पढ़ती थी तो मैं उसको रिवाइज करती थी, शाम को भी रिवाइज की, फिर रात को भी रिवाइज की। हाँ। उससे क्या होगा, अपने आपका जो माइंड है ना वो फिट कर लेगा कि ये तो आपको याद ही है। उसके अलावा मैंने इस बच्चे से जो एक पॉइंट देखा वो ये था कि विशाल सर टाइम को आप सही जगह यूटिलाइज करें, ये बहुत जरूरी है। इस बच्चे ने बात बोली जो मुझे रियलाइज हुई, आजकल बच्चा क्या करता है वो यूट्यूब पे, विशाल सर यूट्यूब पे उन्हें रिसर्च करा लिया, इंटरनेट का फैसिलिटी है, तो क्या कर रहा है आधा घंटा इधर खराब कर रहा है, आधा घंटा उधर खराब कर रहा है, आधा घंटा उधर खराब कर रहा है, वो इतनी सारी जगह पे जाकर यूटिलाइज नहीं कर रहा है, टाइम को इन्वेस्ट कर दिया गलत जगह, 10 जगह बांट दिया। तो सबसे पहले जिसे इस बच्चे ने बोला था, एक सोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, और यार इंडिया में एबीपी से बेहतर सोर्स क्या मिलेगा यार आपको। सही बात। एक जगह आइए, एक ही जगह टाइम इन्वेस्ट कीजिए और बाकी समय को अपनी प्रैक्टिस में यूटिलाइज कीजिए। पॉइंट है सर। इस बच्चे ने, सर मैं इनकी वीडियो सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। टाइम का सही यूटिलाइजेशन एक जगह कीजिए। हाँ। और मैं अपनी वीडियो में भी कहता हूँ कि जरूरी नहीं पुनीत सर से रीजनिंग फॉलो करो, आप किसी से भी रीजनिंग फॉलो करो। हर एक टीचर इंडिया में नहीं दुनिया में कोई भी अगर पढ़ा रहा है तो हर कोई अपना बेहतर देता है। सही बात है। आप किसी भी एक टीचर को सिलेक्ट कर लो रीजनिंग के लिए, किसी भी एक टीचर को सिलेक्ट कर लो मैथ के लिए, किसी भी एक टीचर को सिलेक्ट कर लो इंग्लिश के लिए। सही बात। और फिर उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। अब ये नहीं आप 10-10 लोगों को फॉलो करें, क्योंकि विशाल सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अरुण सर भी जानते हैं, हर किसी का पढ़ाने का तरीका, हर किसी का गाइड करने का तरीका अलग अलग होता है। अरुण सर का एक एग्जांपल भी रहता है कि कौरवों ने किससे सलाह ली थी और पांडवों ने किससे सलाह ली थी। हाँ। तो बहुत मैटर करता है आप किससे एडवाइस ले रहे हैं। सही तो मैं आपसे बोलूंगा, आपके पास एक ऐसी टीम दिखाई दे रही है आपको जो पहले उस रास्ते पर चलवा कर बहुत लोगों को मंजिल तक पहुंचाया है। तो एक रास्ता हम लोग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे, हम आपको सलाह देंगे। किसी भी एक इंसान को फॉलो कीजिए रीजनिंग के लिए, किसी भी एक इंसान को फॉलो कीजिए इंग्लिश के लिए, किसी भी एक इंसान को फॉलो कीजिए मैथ के लिए, लेकिन फिर भटकिए मत। सही जो भी वो कह रहा है उसकी उस बात को मानकर फॉलो कीजिए। जरूरी नहीं है टीम एबीपी को फॉलो करें, लेकिन अगर टीम एबीपी को फॉलो करें तो दिल से फॉलो करें, भटके नहीं। चलिए काफी सारी बात पुनीत सर ने बढ़िया बताई, और उसमें से सबसे अच्छी बात है कि जब आप फॉलो करिए तो दिल से फॉलो करिए,
तो ये इन्फॉर्मेशन देने के पीछे एक रीजन ये था क्योंकि अभी हम लोग आपको मालूम है, आपने अगर फोकस किया हुआ तो डेफिनेटली आप फोकस कर रहे हैं तो फॉलो भी कर रहे होंगे। तो उसे फॉलो करते हुए एक जो बैच हम लोगों ने शुरू किया कल उसकी एक एक क्लास हुई है। सैटरडे संडे का अच्छा यूटिलाइजेशन करिए, इस सैटरडे संडे आप पूरा ढंग से पढ़िए कि क्या हम लोगों ने बताया, क्या स्ट्रैटेजी रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी फोकस किया हुआ अच्छे से तो डेफिनेटली आप उस बैच को ज्वाइन करिए, बैच को ज्वाइन करके फिर आप पढ़िए। मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ, पुनीत सर अरुण सर स्लाइड दिखाता हूँ मैं उन बच्चों की, अभी तो एक ही बच्चा, अभी बच्चों को और ज्यादा मजा आएगा, अभी आप लोगों को ना और कॉन्फिडेंस आएगा जब मैं दिखाऊंगा लास्ट ईयर कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और ये कुछ ही है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी जरा मैं आपको दिखा दूं, फटाफट से स्क्रीन शेयर करता हूं, ये रही, जरा देखिए स्क्रीन शेयर होकर दिख रही है क्या सर? हाँ ठीक है। तो बच्चे आप लोग जरा देखो यहां पर आपको दिख रहा है, ये मैं वीडियो बता रहा हूं, ये वो वीडियो है जो 2019 का रिजल्ट आया था, ये वो वीडियो है, इसमें वीडियो में रिजल्ट आया था 2019 वाला है। तो 2019 में ये हम लोगों ने वीडियो किया था, उस वक्त अरुण सर नहीं थे, अरुण सर किसी कारणवश आ नहीं पाए थे वीडियो में, तो मैं और पुनीत सर थे। और पुनीत सर भी देखो पहले काफी स्मार्ट से लग रहे हैं क्योंकि छोटे से लग रहे हैं, और पुनीत सर तो पुनीत सर ने अपना लुक भी चेंज कर लिया बड़ी दाढ़ी करके। तो बाकी आप लोग बता देना पुनीत सर की बड़ी दाढ़ी वाला लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है? तो यहां से मैं कॉमेंट आपको दिखाता जाऊं, वो भी आप लोग देखते जाओ, ये मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ आराम से ताकि आपको दिखता रहेगा। देखो यहां पर बच्चे पहला कॉमेंट इनका आया कि इन्होंने क्लियर किया, इधर आ गए देखिए, इनका आया इन्होंने क्लियर किया, इनका आया इन्होंने क्लियर किया, यहाँ जाओ इनका है इन्होंने क्लियर किया, इन्होंने क्लियर किया। आप उसके नीचे कमेंट जाकर देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लियर किया है, मतलब कम नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लियर किया है, इन्होंने क्लियर किया। तो ये सारे बच्चों ने क्लियर किया तो कैसे क्लियर किया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि क्लियर किया कुछ उन्होंने रॉकेट साइंस यूज किया या कुछ अलग यूज किया, सभी लोगों ने क्लियर किया। तो क्लियर करने के पीछे बस एक ही रीजन होता है, वो होती है जम के मेहनत करना और कुछ नहीं। इन सभी लोगों ने मेहनत करी है, सभी लोगों ने तभी से फाइनली क्लियर किया। मैं अब आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों ने अगर फोकस किया हुआ है कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना ही है और मुझे SBI में PO ही बनना है, 2020 है, अच्छा मौका है, और ये आपको मालूम है अगर एक बार फोकस करके रिवाइज करके अच्छे से किया जाए तो किया जा सकता है। बैच हम लोगों का है SBI PO का, उस बैच को आप लोग ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है, टाइमिंग क्या है, अभी बताते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं। देखिए मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, तो ज्वाइन कैसे करना है उस बैच को देख लीजिए, यहाँ चलते हैं। ज्वाइन करना बड़ा सिंपल है, आप क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इस तरीके से आपको दिख जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। आपने इसे डाउनलोड किया, इसे इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ रजिस्टर कर लीजिएगा, और बैंक एग्ज़ाम आपको यहाँ अपना गोल चूज करना है, आपने चूज़ किया बैंक एग्ज़ाम्स, अपना गोल गोल चूज हो गया आपका बैंक एग्ज़ाम्स। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पर आएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर टैप करेंगे, एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप 3 से 4 एग्जाम्स जो होंगे सारे देते रहोगे, सिर्फ एक ही के भरोसे में नहीं रह सकते हो, और सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। फिलहाल SBI PO के लिए करे तो वो मैं बताऊंगा, जैसे ही 1 ईयर पर आप टैप करोगे आगे ये स्क्रीन आएगी, 6,000 रुपये इसकी फी होगी साल भर की, इसकी फी को कम कर सकते हो आप, ये कोड यूज कीजिएगा Wi-Fi AVP 10, यानी AVP की क्लास लेनी है उसके लिए, तो इस कोड का अप्लाई करोगे बच्चे तो ये 5,400 रुपये आपको यहाँ पर जो फी है वो दिखने लग जाएगी। और एक बार ये फी जैसी 5,400 रुपये हो जाएगी आप इसे पे कर दीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर पे करने के बाद क्लासेस आपको सारी दिखने लग जाएंगी। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, मैं आपको बता दूँ टाइमिंग यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं तीनों क्लासेस की। आपकी सबसे पहले क्लास होती है इंग्लिश की, इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग है सुबह 9 बजे यानी कि 9 AM। उसके बाद क्लास होती है मैथ्स की यानी कि 10 AM, ये आपकी मैथ्स की क्लास होती है। फिर होती है रीजनिंग की क्लास यानी पुनीत सर, 11 AM यानी कि 11 बजे सुबह। इस तरीके से बच्चे आपकी क्लासेस होती है, इनको आपको ध्यान रखना है। और मैं तो कह रहा हूँ अभी से बच्चे ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई कुछ आए तो बताइए, ये क्लासेस आप इस तरीके से ज्वाइन करिए, है ना? आओ चलते हैं फिर से स्क्रीन पर, अरुण सर पुनीत सर है यहाँ पर, अरुण सर से जान लेते हैं अरुण सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, तो वो आपको थोड़ी सी एडवाइस देंगे। अरुण सर बिल्कुल, देखिए यार मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आप, हम लोग बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप बैच ज्वाइन कीजिए। यार देखो अगर फीस की बात की जाए बहुत ज्यादा फीस नहीं है, पुरानी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं बच्चे। हाँ पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा कुछ बच्चे बोल रहे थे सर मोबाइल टैक्सेस होगा, देखो बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है हमने कि आप मोबाइल पे
आप अपने लैपटॉप पे कहीं पे भी मोबाइल को देख सकते हो। दूसरा, आपने आज क्लास अटेंड करी, कल किसी कारणवश आप क्लास नहीं ले पाए तो आप उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव क्लास ही देखनी है, आप रिकॉर्डेड देख लो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आप मान लो सुबह बैच चल रहा है, आप कहोगे सर मैं तो सुबह फ्री नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को देख लो, शाम को देख के जो डाउट हो उस डाउट को आप नेक्स्ट डे आके पूछ लो। हाँ सिंपल है, बहुत सिंपल रखा है, बहुत इसमें आप लोगों को ये फील हो कि सर मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आराम आराम से समझाया जाए। ऐसा बहुत वो नहीं होता है कि हाँ बहुत लंबा सेशन हो गया, 3-3 घंटे की क्लास हो रही है, दिन भर में 1 घंटा मैथ्स होता है, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, आप इजिली कवर कर सकते हो। चीजों को बहुत विस्तार से समझाया जाता है, पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। डाउट सेशन होते हैं हर तीसरी क्लास के बाद। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग आप लोगों को ऐड कर देते हैं, जिससे आपको एक एनवायरमेंट मिल जाता है, आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बच्चों से आपस में बात कर सकते हो कि यार मैंने वो क्वेश्चन ऐसे किया था, तूने कैसे किया, तो अगर तेरे पास कोई अप्रोच है तू सेंड कर दे, अगर कुछ मिल जाता है सोल्यूशन तो ठीक है, फिर नेक्स्ट डाउट सेशन में आप आके पूछते हो, फैकल्टी वहां पर डिस्कस करता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको ये भी पता चलता है वहां पे देखने से कि उस वीडियो में कितने लोगों ने सबसे जल्दी आंसर किया। आप 10 क्वेश्चन आज का सर ने टेस्ट लिया, उस 10 के 10 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 6 किए 7 किए, तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो फायदा होगा, एक बार जुड़ के देखिए और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, रेफरल कोड लगाइएगा WiFi AVP10। यही कहूंगा कि आज अगर आप एनरोल करते हैं तो सारे वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाए। विशाल सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं कहना चाहूँगा सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली दे तो दिए हैं यहाँ पर, और ख़त्म करते हैं, फाइनल कमेंट लेते हैं पुनीत सर से, देन उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे ही दी पुनीत सर। विशाल सर, मैं ही फाइनल कमेंट देता हूँ, फिर ओवर कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा देर तक ये टेक्नोलॉजी है ना, फिर नेटवर्क इशू होने लगता है। ठीक है, तो बस मैं ये कह रहा हूँ, अरुण सर मैथ पढ़ाते हैं, मैथ की कैलकुलेशन कर रहा था विशाल सर, 5400 रुपए इसकी जो फीस है, हर दिन की जो कॉस्ट आ रही है 15 रुपए पर डे आ रही है, सिर्फ 15 रुपए, और हर सब्जेक्ट की कॉस्ट निकाले तो केवल 5 रुपए। तो आप ये देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी करें तो जाने आने में ही सारा आप खर्च कर देते हैं, आपको कहीं पर पढ़ना होगा, यहाँ पर आपको वेट नहीं करना, घर में बैठिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, पूरे इंडिया की सबसे बढ़िया बैंकिंग टीम आपके साथ है और आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए तत्पर है। जरूर जुड़िएगा, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, जिन्होंने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जरूर आज ले लीजिएगा और कल से पढ़ाई पढ़ाई के लिए आ जाइएगा। तो विशाल सर एंड करें। चलिए ठीक है पुनीत सर, एंड करते हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिए यहाँ पर हम लोगों ने, और बच्चे बाकी कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लेना, कल परसों का वेट मत करना, साल भर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ताकि आपका ये 2 दिन है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। चलिए हम ऑल दी बेस्ट बोलते हैं आप सभी को, विश यू ऑल दी बेस्ट, आप सभी लोग बैच में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।